हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 20 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट फ्रॉम ए टेस्ट रेंज इन ओडिशा। भारत ने ओडिशा के एक परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। नेक्स्ट, दूरदर्शन हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन सोवेनियर स्टोर फॉर इट्स व्यूअर्स ऑन अमेजन इंडिया सो दैट वन कैन इजीली एक्सेस इट। दूरदर्शन इज इंडियाज फर्स्ट ब्रॉडकास्टर विच हैज स्टार्टेड सोवेनियर स्टोर। ए सूर्य प्रकाश चेयरमैन प्रसार भारती लॉन्चेज डीडी सोवेनियर स्टोर ऑन अमेजन इंडिया। दूरदर्शन ने अमेजन इंडिया पर अपने दर्शकों के लिए एक ऑनलाइन स्मारिका स्टोर शुरू किया है ताकि कोई भी इसे आसानी से देख सके। ए सूर्य प्रकाश अध्यक्ष प्रसार भारती ने अमेजन इंडिया पर डीडी स्मारिका स्टोर लॉन्च किया। नेक्स्ट, द WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। द मिनिस्ट्रियल मीटिंग बिगेन विद ए डिनर होस्टेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु। द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO रॉबर्टो एजेवेडो वाज आल्सो प्रेजेंट एट द ओकेजन। विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। मंत्री स्तरीय बैठक केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा आयोजित रात्रि भोज के साथ शुरू हुई। WTO के महानिदेशक रॉबर्ट अजेवेडो भी रात्रि भोज के दौरान उपस्थित थे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द कैन्स फिल्म फेस्टिवल हैज बिगन इन फ्रांस। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन एट कैन्स एंड विल इनॉग्रेट इंडियन पेविलियन। सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस में शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे कान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचार की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑन नैनीताल बैंक फॉर इट्स फेलियर टू फुली ऑटोमेटेड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस डिस्पाइट स्पेसिफिक डायरेक्शंस इश्यूड ऑन इन दिस रिगार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद गैर निष्पादित परिसंपत्ति पहचान प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने में अपनी विफलता के लिए नैनीताल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, ICICI बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ए को ब्रांडेड मल्टी करेंसी कार्ड विद ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग पोर्टल GoBibo। द कार्ड ऑल्सो इंक्लूड्स बेनिफिट्स और अप टू 20,000 रुपीज इंक्लूडिंग गिफ्ट वाउचर ऑफ 15,000 रुपीज फ्रॉम GoBibo। ICICI बैंक ने ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग पोर्टल GoBibo के साथ सह ब्रांडेड बहुमुद्रा कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। कार्ड में 20,000 रुपए तक के लाभ भी शामिल है, जिसमें GoBibo की ओर से 15,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर भी शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। तो CET क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2019 वाज अनाउंस्ड इन मुंबई। इंडिया कैप्टन विराट कोहली बैग्ड द इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ड्यूरिंग द CCR इंटरनेशनल अवार्ड्स। पेसर जसप्रीत बुमराह वाज एडजस्टेड एज इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर। मुंबई में CET क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2019 की घोषणा की गई। भारत के कप्तान विराट कोहली ने CCR अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। और बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार की।
तो इंडियाज जीएस लक्ष्मी हैज बिकम द फर्स्ट इवर वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज एंड विल बी एलिजिबल टू रेफर इंटरनेशनल गेम्स विद इमीडिएट इफेक्ट। भारत की जीएस लक्ष्मी आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है और वह तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए रेफरी की पात्र होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।